नमस्कार, मैं सुमन आशीष, जन सरोकार मंच टोंक राजस्थान की तरफ से आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का और अपनी तमाम व्यस्तताओं और जिम्मेदारियों के बीच अपना समय निकालकर पधारे कवि राजेंद्र चौहान जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। जन सरोकार मंच को भी धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। जन सरोकार मंच सदैव अपने मंच पर प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आमंत्रित करता रहता है और मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने फिर से मुझे इस मंच पर अवसर दिया, सुअवसर दिया। तो भाई साहब देवेंद्र जी का और जन सरोकार मंच दोनों का बहुत बहुत आभार। मैं आज आपके सामने भारतीय रेलवे विभाग में विद्युत अभियंता के पद पर कार्यरत कवि राजेंद्र चौहान जी का परिचय आपसे करवाऊं, क्योंकि कवि का परिचय उसकी स्वयं की कविताएं होती हैं, तो मैं तो उनका क्या परिचय दूंगी, लेकिन जो भी संक्षिप्त परिचय है मैं आपके सामने देना जरूरी समझती हूँ। राजेंद्र जी चौहान का जन्म धार मध्य प्रदेश में हुआ है और यहीं ये पले बड़े हैं। इनका हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी पे पूर्ण अधिकार है। तो मैं चाहती हूँ कि अपना स्वयं का परिचय मैं उनसे आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि वो अपना परिचय स्वयं ही देंगे। इसके बाद हम बातचीत की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरा निवेदन है आदरणीय राजेंद्र जी चौहान से कि वो दर्शकों, श्रोताओं को अपने परिचय से लाभान्वित करें और बाद में हम उनकी कुछ रचनाएं भी दर्शकों और श्रोताओं को सुनाएंगे। भाई साहब जी नमस्कार। आदरणीय नमस्कार। नमस्कार। सभी को नमस्ते। मेरा नाम राजेंद्र सिंह चौहान है और काव्य क्षेत्र में मैं सिर्फ राजेंद्र चौहान लिखता हूँ और मैं बड़ौदा में रहता हूँ। बड़ौदा गुजरात में है और गुजरात की एक संस्कारी नगरी है। बड़ौदा गुजरात की एक संस्कारी नगरी कही जाती है और यहाँ संस्कृति और संस्कारों का समन्वय है। बड़ौदा शहर में बहुत सारे साहित्यकार होते हैं। यहाँ गुजराती और हिंदी साहित्य को काफी मान दिया जाता है। मैं रेलवे में इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। यहाँ पर काफी समय से मैं कविताएं लिखता हूँ। कॉलेज के लाइफ में था, कॉलेज के जीवन में था, तब मेरे एक मित्र जी विजय स्वर्णकार जी थे और वो मेरे साथ पढ़ाई करते थे। वो सिविल इंजीनियर हैं, आज भी वो हैं और आज भी वो साहित्यिक जगत में एक काफी बड़े नाम हैं। विजय स्वर्णकार जी को आप सभी विजय लोग जानते स्वर्णकार जी, होंगे। जी, जब से ये फेसबुक और मैसेंजर वगैरह आरंभ हुए तो उन्होंने गजल को आसान तरीके से सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया और सिखाया। उनकी क्लासेस मैसेंजर में चलती थी जिसमें हम लोग जो है वो बिना उसके बिना किसी शुल्क वगैरह के हम लोग ज्वाइन करते थे और सीखते थे। उसके पहले मुझे कुछ इसमें आता नहीं था, सिर्फ कुछ शब्द लिखने आते थे और धीरे धीरे जो है मापनी वगैरह ये सब उनसे सीखने को मिला और लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बताया भाई साहब कि आप भारतीय रेलवे में विद्युत अभियंता, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जी की बिल्कुल पोस्ट पे कार्यरत हैं, तो इतनी जी व्यस्तताओं भरी पोस्ट है, इतनी जिम्मेदारियों वाली पोस्ट है, तो किस तरीके जी से आप कविता के लिए समय निकाल लेते हैं? इसका सबूत आपके सामने है। अभी भी हाँ जी, उन्हें मैं घर से अभी आया हूँ और मेरे बिल्कुल फैमिली बिल्कुल। मेंबर जो है अभी हॉस्पिटल गए। मैं यहाँ बाहर इस कार्यक्रम अच्छा के लिए अच्छा तैयार हूँ, तो इसी तरह से ये निकल जाता है। और मैं हाँ। सोचता हूँ कि कविता जब आपके पास ऐसा है कि आपके पास जज्बा है कि आपको जी करना है तो करना है, फिर उसके लिए समय अपने आप मिल जाता है। और कविताओं के लिए आप सभी को मालूम होगा कि जब तक हम भाव अपने अंतर के भाव होते हैं वही कविता होती है, बस उसे समय निकाल के लिखना होता है। और कोई भी कवि कवि जो है वो कविता नहीं लिखता है
कविता उसे खुद कविताएं लिखवा लेती है, खुद अपने आप को लिखवा जी देती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि या तो जैसे हिंदी के बड़े प्राध्यापक हैं या फिर जिनको विरासत में कविता मिली है, एक माहौल मिला है, एक पहले से नाम मिलता आ रहा है, लेकिन जी मैं जी देख रही हूँ ना तो आपका ये फील्ड रहा है। मैंने आपसे पहले भी बातचीत करी, उस दौरान भी आपने मुझे बताया कि कोई परिवार में मतलब कविता नहीं लिखता, तो किस तरीके से आपका ये रुझान कविता की तरफ हुआ, ये जानना बड़ा रुचिकर होगा हम मेरे लिए भी और दर्शकों और श्रोताओं के लिए। जी मेरी वैसे जो है वो हिंदी में बहुत कुछ मैंने किया नहीं है। सिर्फ 11th हुआ करता था उस समय हमारे वहाँ पर, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय हमारे उसमें हायर अंग्रेजी और हायर हिंदी ऐसे दो विषय हुआ करते थे, ऑप्शनल हुआ करते थे। तो सिर्फ मैंने उस समय हायर हिंदी लिया था क्योंकि मुझे अंग्रेजी उतना था नहीं, अंग्रेजी का ज्ञान उतना नहीं था, हम लोग हिंदी विभाग से थे, तो हायर हिंदी उस समय थी। और उसी दौरान में कुछ पढ़ने का मौका मिला, कुछ लाइब्रेरी वगैरह मिल जाया करती थी, उसमें जो है बच्चों की किताबें आती थी, वहां पर पढ़ने को मिलता था। धीरे धीरे लगा कि कुछ लिखा जाए, तो उस समय बस थोड़ा थोड़ा लिखना चालू किया था, लेकिन फिर जॉब लगने के बाद में फिर छोड़ दिया था। और कुछ समय के बाद जब ऐसे ही एक फेसबुक ओपन किया तो मुझे विजय सोनकर जी से मुलाकात हुई, क्योंकि वो उस समय तो बहुत समय हो गया था। और जब उनसे मुलाकात हुई तो फिर उन्होंने ये सब, उनका ये कार्यक्रम जारी रहता था गजल लेखन का, और एक काव्योदय नाम से ग्रुप था, तो उस ग्रुप में वो सिखाते थे, तो मुझे भी उन्होंने जोड़ लिया कि चलो आप भी लिखा करो थोड़ा बहुत। तो मैं उस समय अंग्रेजी में लिखता था, अंग्रेजी में ही अच्छा हिंदी लिखता था। फिर बाद में धीरे धीरे सब, पहले हिंदी टाइपिंग नहीं आती थी, हिंदी टाइपिंग चालू करी तो फिर हिंदी में लिखना शुरू हो गया। तो आप काफी कुछ लिखने की कोशिश करते हैं और सीखते रहते हैं। तो आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? आप धार के हैं, और शिक्षा आगे की, जैसे आपने बताया कि अभी तो आप इस पद पे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन आपकी कहाँ हुई और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, तो जरा इसके बारे में जी भी आप बताइए। मैंने जो है वो 11th जो बेसिक शिक्षा है वो धार सिटी से की थी, और वहां से मेरा सिलेक्शन डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए हो गया था। तो इंदौर का शहर है जहाँ पर श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक में मेरा सिलेक्शन एडमिशन हुआ था, और 3 सालों का डिप्लोमा कोर्स था, और बस इतना ही था। उसके बाद जॉब लग गई और फिर शिक्षा के लिए फिर सोचने में नहीं आया। आप मतलब कविता ही लिखते हैं या गद्य में भी लिखते हैं? जी अभी जो पहले आपने प्रश्न किया था उसका आप जवाब निकलेगा, गद्य लिखने में बहुत समय लगता है, इसके लिए वो नहीं लिखता। जी आपके लिए कविता क्या चीज है, मतलब किसे आप कविता मानते हैं? मैं कविता भावों को मानता हूँ, जो अपने दिल से भाव निकलते हैं वो ही कविता होती है, बस उसे हमको शब्दों में उकेर देना होता है। जो और भाव होते संवेदनाओं हैं, के साथ, शब्द होते हैं, बिल्कुल 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 फिर शब्द, शब्दों को जो बिल्कुल है वो हम मापनी में जोड़ देते हैं, तो और उसका जो है वो सुंदरता बढ़ जाती है। इस तरह से कविता अपना श्रृंगार कर लेती है। असल में कविता सिर्फ भावों की रचना है। आपके अंदर जो भाव है, अगर आप वो सिर्फ शब्दों में लिख पाते हैं तो वही एक कविता है। कि कविताओं का मुख्य भाव क्या होता है, ये मैं जानना चाहती हूँ। मतलब हाँ जी सामाजिक चेतना के संदर्भ में लिखते हैं, राष्ट्रभक्ति के संदर्भ में लिखते हैं, देश दुनिया के या जन सरोकारों के संबंध में लिखते हैं, या किस संबंध में आपकी रुचि अधिक है और आपका साहित्य, आपकी कविताएं अब तक लिखी गई हैं, तो उसका मुख्य विषय क्या जी होता मुझे जैसे सूर्योदय अच्छा लगता है, है? सांझ बिल्कुल अच्छी सभी लगती है। को बिल्कुल। हाँ जी जी तो सूर्योदय के ऊपर कविता लिखना मेरा मुझे बहुत जी पसंद है, और अक्सर जो है वो जैसे सुबह सुबह के आजकल व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे को जो है वेलकम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो मेरा नमस्ते जो है वो कविताओं से होता है, दो अरे पंक्ति उसी बहुत समय। अच्छी बात है, जी तो तो मैं चाहूंगी कि कुछ। प्रकृति मेरा पहला विषय है, दूसरा जो है मेरा खुद का जॉब,
जो रेलवे का है उसके संबंधित मैं लिखता हूँ, फिर देश के लिए भी लिखता हूँ और भाव के ऊपर भी लिखता हूँ, जो संवेदनाएं सामान्य जीवन से मिलती है उन सबको समेटने की कोशिश करता हूँ। अभी हमारी बात हो रही थी राजेंद्र चौहान जी से, इन्होंने हिंदी की कई विधाओं में रचनाएं की है, गजल, नुक्तक, दोहे, ताटक, कुंडलियां, हाइकू, तहमुकरी, चौका, गीतिका, महिया, घनाक्षरी और गीत आदि विभिन्न प्रकार के छंदों की रचना इन्होंने की, और बहुत व्यस्तताओं के बीच में भी ये रचना करते रहते हैं। जी बिल्कुल। सरहद पर दीवार बना है, दुश्मन पर तलवार बना। सरहद पर वाह। दीवार बना है, दुश्मन पर तलवार बना। रुकना आज असंभव, उसका बाढ़िल नद की धार बना। मन में जिसने ठान लिया है, मन में जिसने ठान लिया है, जज्बा सबसे न्यारा है। भारत का रक्षण करना जो प्राणों से भी प्यारा है। धरती ने खाया है धोखा कितने ही जय चंदों से, फिर भी बिल्कुल खाली होती कैसी ये बलिदानी बंदों से। बहुत ही अच्छा। जय हो भारत माता, वीर धरा का नारा है। भारत देश हमारा, हमको प्राणों से भी प्यारा है। भारत देश हमारा, हमको प्राणों से भी प्यारा है। ताटंग छंद जो है वो 16 और 14 मात्राओं में होता है, जिसमें अंतिम जो दूसरी पंक्ति होती है उसमें 3 गुरु होने चाहिए। कौशल हाथों को सिखा, आज नया है दौर, सिर्फ जी किताबी ज्ञान से काम नहीं हर ठौर, काम नहीं हर ठौर नहीं मिलती है रोजी, काम नहीं हर ठौर नहीं मिलती है रोजी, भटक नहीं दर द्वार हुनर कर कहता मनमोजी, भटक नहीं दर द्वार हुनर कहता मनमोजी, गया जमाना राज मिली है नवीन, खिली है नवीन को कोंपल, सुनेगा, कौशल गया। कौशल हाथों हाँ को सिखा, हाँ आज नया है दौर, सिर्फ किताबी ज्ञान से काम नहीं हठौर। काम नहीं हठौर नहीं मिलती है रोजी, भटक भटक नहीं दर द्वार हुनर कहता मनमोजी, गया जमाना राज खिली है नवीन कोंपल, कला गहे जो हाथ दिखा दे अपना कौशल। इसमें जिस शब्द से शुरुआत होती है छंद की, उसी से अंत भी होता है। यहाँ पर कौशल से शुरुआत हुई थी और अंत में भी कौशल ही शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया है। इसको कुंडलिया छंद कहते हैं। और भाई साहब ने राम तुलसीकृत रामचरित मानस के सुंदर कांड पर भी बहुत सारे दोहे लिखे हैं, और बहुत ही अतिशीघ्र उनकी किताब भी प्रकाशित होने वाली है इस दोहा को लेके, तो मैं चाहूंगी कि उसके बारे में आप हमें बताएं। तुलसीदास जी का जो सुंदरकांड है, एक दिन मुझे ऐसा लगा कि इसे दोहा दोहा में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ जी, और अच्छी अच्छी कोशिश जो है, हम चाहेंगे सुनना। बिल्कुल पंक्तिबद्ध जो जो पंक्तियां उसमें हैं सुंदरकांड में, उन्हीं पंक्तियों को एक एक करके दोहा अनुवाद करने की कोशिश करी है। सुनाइए। तो मैं कुछ उनकी पंक्तियां लेता हूँ। पहले पहले जो मंगलाचरण लेता हाँ हूँ, हाँ सुनेगा। बिल्कुल। सत्य सनातन अप्रमेय, मोक्ष रूप निष्पाप, परम शांति दाता प्रभु रघुकुल राघव आप। ब्रह्मा शंभु शेष जी करते जिनको याद, जान सके वेदांत से और नहीं मर्याद। पूरा दोहे में रहेगा, बिल्कुल आप बिल्कुल, मंगलाचरण इसे से जो शुरुआत है की है आपने तो। जी जी मैंने उसके जो मूल रूप को कहीं भी बदलाव करने की कोशिश नहीं की है। जी जो उसमें लिखा हुआ है उसी को सिर्फ दोहा रूप में बदलने का प्रयत्न किया है।
और काफी सफलता भी मिल पाई है। रघुवरनाथ का, राजाओं के शीश, नमन प्रभु श्री राम को जो जगती के ईश। जग कहता सच कहता रघुनाथ में, प्रभु सब जानो आप, नहीं आसमन दूसरी पूर्ण भक्ति हरि जाप। दूर करो मन से प्रभु, दूर करो मन से प्रभु, काम क्रोध मद लोभ, मुक्त करो हर दोष से, रहे न कोई क्षोभ। शैल सुमेरु की तरह कांति रूप अभिराम, दानव वन के नाश में अग्नि भांति बल धाम। मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि आपने जो ये कविता लिखी है तो आपने ताटक छंद के बारे में अभी बताया, तो मैं जी चाहती हूँ कि आप ताटक छंद, इसके अलावा भी आप हाइकू, कहमुकरी और भी बहुत सारे छंदों में लिखते हैं। यहाँ तक कि आपने बताया कि आप गजलें भी लिखते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई गजल है तो प्लीज सुनाइए। जी, एक गजल मैंने लिखी है। मैं गजल तो बहुत आधा रूप में ही लिख पाता हाँ हूँ, हाँ सुनेगा। अच्छा तुम मिली तो गजल बन गई। पहला शेर सुनिएगा। तुम मिली तो गजल बन गई, दिल खिले दो गजल बन गई। तुम मिले तो गजल बन गई, दिल खिले दो गजल बन गई। दूसरा शेर सुनेगा। थम गए उनके बढ़ते कदम, राह देखो गजल बन, राह देखो गजल बन गई। जब मिली जिंदगी से खुशी, आंख भी ये गजल बन गई। जब मिली जिंदगी से खुशी, आंख ये तो गजल बन गई। बूंद रिमझिम सी गिरने लगी, बिजलियां हो गजल बन गई। पूछना चाहती हूँ आपसे क्योंकि मैं भी खुद भी लिखा करती हूँ गजलें और बहुत शौक है मुझे गजलें कहने का, तो हाँ जी, इसलिए मैंने आप से इसकी कहा कि आप गजल सुनाइए। आपने जी ये हाइकू और कह मुकरी भी लिखे हैं, तो ये कह हाँ जी मुकरी के बारे में मैं नहीं जानती कुछ भी, तो मैं चाहती हूँ कि आप जरा कह मुकरी के बारे में बताएंगे। कह मुकरी क्या कह है और मुकरी, कैसे? एक जी कह मुकरी छोटी छोटी पहेली जैसी कविताएं होती हैं, अच्छा और काफी पहले अमीर खुसरो जी ने लिखी थी। कह मुकरी पहेलियों पे आधारित कविताएं। कह मुकरी में ऐसा है कि चार लाइनों की कविता है, और आरंभिक तौर पे जो है वो शुरुआती तौर पे अमीर खुसरो जी ने का नाम है इसमें। उन्होंने कह मुकरियां लिखी हैं, और इसमें दो सहेलियों के बीच की बात होती है। एक पहेली होती है, पहेली का उत्तर होता है, और उस उत्तर को डिनाय करके, और वो साजन की तरफ इंगित करता है। बस यही उसकी खूबसूरती है। एक कह मुकरी सुनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे भूला भूला, खोया खोया, मन को झंकृत करता गोया। प्रेम भाव शब्दों से जाना, का सखी साजन ना सखी गाना। इसमें जैसे देखिएगा, भूला भूला, खोया खोया, मन को झंकृत करता गोया, ये एक प्रश्न है। उसका उत्तर है कि वो जो प्रेम भाव शब्दों से, जो प्रेम भाव शब्दों से जाना है, वो क्या गाना है, वो क्या साजन है, तो उसका उसको डिना मतलब उसको मना करके ये बताया कि नहीं, ये साजन नहीं है, गाना है। उसका उत्तर बस गाना ये होता है। इसकी जी हाँ जी हाँ जी इसका उत्तर इसकी गाना है खूबसूरती। जी जी। इसमें हर चीज में वो एक साजन की तरफ इंगित करती है, और उसका उत्तर कुछ और होता है। मैं कुछ रचना मैं आपको सुनाता हूँ।
बिल्कुल सुनाइए, जी बिल्कुल। हाँ जी सुनिए, सुबह के लिए रचना है वो सुनेगा। इसमें मदिरा सवैया है जिसमें सात भगण और एक गुरु का मेल होता है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सुनाइए सुनाइए। जी, खेचर देख प्रभारत, खेचर देख प्रभारत को जब सुंदर सुंदर गायन गावत है, जो सुबह के पक्षी गायन करते हैं उसके बारे में। खेचर देख प्रभारत को जब सुंदर गायन गावत है, ये बहता पवमान सभी जन के मन, ये बहता पवमान सभी जन के मन अंतर भावत है। मानव भी तन आंगन को नव ज्योत सिखा सम पावत है। सुबह जो हमें अपने जो ताजगी महसूस होती है उसके विषय में देखिएगा। मानव भी तन आंगन को नव ज्योत सिखा सम पावत है, सूरज भोर जगा जग को जब पूरब के नभ आवत है, सूरज भोर जगा जग को जब पूरब के नभ आवत है। एक और सवैया, मदिरा सवैया के रूप में ही मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, हाँ बताइए। अभी कोई बहुत डिस्टरबेंस बहुत ही नहीं होगा। खूबसूरत। जी जी सुनिएगा, इसके बारे में सवैया रचना और छंद रचनाओं के बारे में बता दूं कि मेरे गुरुजी हैं अभी, जो गुरु सक्सेना जी हैं, उनके आशीर्वाद से ये सब मैं कह पाता हूँ। सुनिएगा, एक कृष्ण जी के ऊपर है, कृष्ण जी के ऊपर एक सवैया है और मदिरा सवैया में लिखने का प्रयत्न किया है। बैन बैन कहे चुप नैन कहे, बैन कहे चुप नैन कहे, जब केशव प्रेम जतावत है, वो जग के करता धरता सबके भरतार कहावत है। रास रास रचे हर गोपी जहां जस, माधव साथ निभावत है, रंग रंगे जग आंगन से जब मोहन, रंग रंगे जब आंगन ये जब मोहन भू पर आवत है। ये दरअसल बहुत होली के सुंदर। संबंध में लिखा था। जी जी, जी 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 और अब दूसरा एक और सवैया मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। चालू रखिएगा। जी, कुछ एक सवैया जो है वो मत गायन सवैया में है, जो सात भगण और दो गुरु के कॉम्बिनेशन से बनता है। जी, मैंने सबसे पहला सवैया अपने गुरुजी के लिए लिखा था, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। जरूर 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 जी, सुनाइए। आज मिला गुरु आशीष तो कहता मन पाकर धन्य विधाता, आज मिला गुरु आशीष तो कहता मन पाकर धन्य विधाता, छंद बने मकरंद खिले मन हो जस आदि पुरातन नाता, लेखन का हर रूप नया लगता तब से हमको यह भाता, भाव कहे मन अंतर के लिख दे हम वंदन भारत माता, भाव कहे मन अंतर के लिख दे हम वंदन भारत माता। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल इसी सुंदर। में मत गायन सवैया में मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। मेरे बड़ौदा के पास में एक शहर है केवड़िया, सबको मालूम होगा, जहाँ पर आजकल सरदार जी सरदार पटेल की प्रतिमा है और वो काफी सभी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये सुनिएगा फिर से। बिल्कुल बंध सुनाइए। बंधा जहाँ केवड़िया, जहाँ उन्नत मूरत लोह मना की, सागर के सम है नदिया यह भारत की,
पहचान बताती। अब सरदार पटेल ने क्या किया था, इसको इंगित किया है मैंने, जोड़ सभी टुकड़े टुकड़े अपनी यह भूमि महान बना दी, रेल नहीं अब तो रुकनी यह पंथ विकास सदा दिखलाती, रेल नहीं रुकनी अब तो यह पंथ विकास सदा दिखलाती। अब भारत की नदियों के विषय में मत गहन सवैया में सुनिएगा, भारत है जिसमें कितनी नदियां बहती रहती सब देखो, आंचल है जिसका मुस्कान लिए थरती जिसमें रब देखो, भारत है जिसमें कितनी नदियां बहती रहती सब देखो, आंचल है जिसका मुस्कान लिए धरती जिसमें रब देखो, सागर तीन दिशा बसते हिम का घर उत्तर में जब देखो, भू पर जो प्रसरी रज है उसको तुम शीश लगा अब देखो, भू पर जो प्रसरी रज है उसको तुम शीश लगा अब देखो। मत गए, मत गए सवैया में एक रचना और मैं सुनाना चाहता हूँ, तिरंगे पर है हाँ जी बिल्कुल जी। भोर हुई किरणे बिखरी नभ आज हुआ हर और तिरंगा, भोर हुई किरणे बिखरी नभ आज हुआ हर और तिरंगा, पूरब में मुस्कान लिए जब सूरज है फहराए तिरंगा, पूरब में मुस्कान लिए जब सूरज है फहराए तिरंगा, रोज उम्मीद भरे जब बादल रंग नया रच जाए तिरंगा, बहुत गर्व भरे सबके अन गर्व भरे सबके मन अंतर रोज जहां लहराए तिरंगा। ये मेरा भारत है जहां पर सबके दिल में तिरंगा फहराता है। बिल्कुल 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 तिरंगे तिरंगा के ऊपर एक और सवैया सुनेगा इसी क्रम में जी। आस लिए धरती पर भारत जो अपना लहराए तिरंगा, मार गिराए सभी रिपु को जब वीर जवान उठाए तिरंगा, जोश भरे मन होश भरे फिर देकर रक्त निभाए तिरंगा, भारतवर्ष बने फिर से हर अंतर में फहराए तिरंगा, भारतवर्ष बने हर अंतर में फहराए तिरंगा जी। तो आज मतलब जितना सुंदर आप लिखते हैं उतना ही सुंदर और उतनी ही गहराइयों के साथ आप गाते भी हैं। आपका बहुत सुरीला कंठ है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे और आगे भी इसी तरीके से जन सरोकार मंच प्रतिभाशाली जो है विद्वान गुणीजनों को अपने मंच पर सुअवसर प्रदान करता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। जी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।